दोस्तों 22 फरवरी को एमपी में सीबीएसई बोर्ड की एक स्टूडेंट को हार्ट अटैक आया। देर शाम पढ़ाई करते हुए 18 साल की आंचल अवस्थी बेहोश हो गई, जिसे पेरेंट्स फौरन अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। उस छात्रा के अगले दिन से ही बोर्ड एग्जाम शुरू होने थे। प्राइमरी रिपोर्ट में यह पाया गया कि छात्रा को हार्ट अटैक आया था। कई बार पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते कि बच्चा एग्जाम को लेकर कितना स्ट्रेस में है। बोर्ड एग्जाम का समय जितना क्रूशियल बच्चे के लिए है, उतना ही पेरेंट्स के लिए भी है। इस दौरान बच्चे को मॉरल सपोर्ट कैसे दे, उसकी पढ़ाई में मदद कैसे करे और अपने बिजी शेड्यूल में से समय कैसे निकाले। दोस्तों, इस वक्त पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, साथ ही समझे कि इस उम्र के बच्चों को तभी समझा सकेंगे जब आप एक दोस्त की तरह उनके साथ बात करेंगे। इसके अलावा उन्हें सपोर्टिव माहौल दें और उनकी बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहला सवाल ये होता है कि एग्जाम के बाद बेटी ने बताया कि उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उसे कैसे हैंडल करूं? अगर आपकी बेटी ने आपको बताया कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है और इस वजह से वो स्ट्रेस में है, तो सबसे पहले उससे बार बार ये ना पूछें कि क्यों अच्छा नहीं हुआ एग्जाम या पढ़ाई ढंग से नहीं की होगी तुमने। दोष बेटी को ना दें, उसके पास बैठें। जब भी वो बताना चाहे उससे क्या गलती हुई है, तो उसको ध्यान से सुने। उसके साथ आगे के एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी डिस्कस करें। बेटी को एनकरेज करें, उसे समझाएं कि एग्जाम में मुश्किलों से हर कोई गुजरता ही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे पहचाने कि बच्चा स्ट्रेस में है, बच्चे के व्यवहार में हो रहे बदलावों को ऑब्जर्व करें। बच्चा बात बात पर इरिटेट हो जाता है, मूड स्विंग होते हैं या वो अकेले रहना पसंद करते हैं। बच्चे को अक्सर सिरदर्द, पेट दर्द या नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है। बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस अचानक खराब हो गया है, वो अक्सर डिमोटिवेट और नेगेटिव बातें करता है। उससे सीधी बात करके भी उसकी फीलिंग्स के बारे में जान सकते हैं। अब इसका नोट यह है कि अगर आपको पता चले कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है, तो आप उसे सपोर्ट करें, उसे समय समय पर पॉजिटिव महसूस कराने की कोशिश करें। अगर आपको लगे कि सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगला सवाल है कि हम दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है, तो बच्चों के लिए कैसे वक्त निकालें? एग्जाम सीजन में बच्चे पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद उन्हें समय देना और उनकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, दोनों में से एक पेरेंट्स हर दिन बच्चे के साथ समय ज़रूर बिताएं। हफ्ते भर के रूटीन में कुछ समय फैमिली को डेडिकेट करें। जब भी बच्चों के साथ समय बिताएं, तो पूरा टाइम बच्चों को ही दें। ऐसा ना हो कि बच्चों के पास बैठे हैं और पूरा ध्यान लैपटॉप या फ़ोन में लगा दें। वीकेंड या इवनिंग सब साथ मिलकर लंच या डिनर कर सकते हैं। इसके अलावा वॉक पर या बाहर आउटिंग पर भी जा सकते हैं। आप काम और जिम्मेदारियां बांट लें, इससे आपके बच्चे के साथ बिताने के लिए समय ज़्यादा मिल सकेगा आपको। बच्चों के साथ दोस्त की तरह बात करें और जाने कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आगे सवाल है कि बच्चे के मन में एग्जाम के डर को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं, तो उनके मन में एग्जाम को लेकर डर आता ही है। ऐसे में ये जिम्मेदारियां पेरेंट्स की हैं कि वो किस तरह बच्चों के मन से ये डर कम कर सकते हैं। बच्चों के मन से एग्जाम के डर को दूर करने के लिए एग्जाम को लेकर घर में पॉजिटिव माहौल बनाएं। उन्हें मालूम ना कराएं कि बोर्ड एग्जाम के आधार पर ही उन्हें अपना फ्यूचर तय करना है। बच्चों को समझाएं कि गलतियां लर्निंग प्रोसेस का एक खास हिस्सा है। उन्हें एंकरेज करें, लेकिन फालतू का प्रेशर ना बनाएं। उन्हें ट्रैक, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बताएं, इससे उनका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। एग्जाम के समय घर का माहौल शांत और सपोर्टिव होना चाहिए। अगला सवाल आता है कि गलत संगल में पढ़ने से बेटा प्री बोर्ड में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, मैं उसे कैसे समझाऊं कि चीटिंग करना ठीक नहीं, ताकि इस बारे में वो ऐसा कुछ ना करे? तो ऐसी सिचुएशन में आपको बेटे के साथ गंभीर चर्चा की जरूरत है। उसे बताएं कि चीटिंग गलत है और इससे उसका ही नुकसान होगा। साथ ही बेटे को यह भी बताएं कि चीटिंग करने पर किस किस तरह की सजा मिल सकती है। उसे बताएं कि जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उससे आराम से पूछें कि उसे चीटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर वो बताए कि उसे पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है या उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो उसकी उचित मदद करें। उसे एहसास कराएं कि अच्छे नंबर लाने के लिए चीटिंग के अलावा बहुत सारे उपाय हैं। बिना प्रेशर बनाए बच्चों को कैसे समझाए बोर्ड एग्जाम का महत्व? बोर्ड एग्जाम पर बिल्कुल डिस्कशन करते हुए बच्चों को नंबर लाने या परफॉर्मेंस पर फोकस करने की बजाय ये बताएं कि बोर्ड एग्जाम लर्निंग और ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। उन्हें समझाएं कि बोर्ड एग्जाम जरूरी तो है, लेकिन वो उनकी जर्नी का एक हिस्सा है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम से उनकी वर्थ डिसाइड
नहीं की जाएगी। बच्चों को अपना बेस्ट देने के लिए इंकरेज करें, साथ ही ये भी बताएं कि अगर उनसे कोई गलती भी हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। घर में सपोर्ट और एंकरेजमेंट भरा माहौल बच्चों को दें। उन्हें बताएं कि उनकी तैयारी लर्निंग बेस्ड हो, ना कि रिजल्ट बेस्ड। बच्चों से बात करते रहें, उन्हें उनकी फीलिंग्स, कंसर्न और डर एक्सप्रेस करने का मौका दें। अगला सवाल है कि बच्चे बोर्ड एग्जाम की वजह से बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, ऐसे में वजन बढ़ने के साथ साथ कई बीमारियों का डर लगता है, मैं कैसे उनकी मदद करूँ? तो एग्जाम हो या ना हो, बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। इसके लिए पढ़ाई के बीच उनके लिए छोटे छोटे ब्रेक्स तय करें। इस समय उनके साथ बैडमिंटन या ऐसा कोई गेम खेल सकते हैं आप, उसके साथ वॉक पर जा सकते हैं या घर पर ही रहकर बच्चों के साथ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद या कोई फिजिकल एक्टिविटी बैलेंस करने के लिए मोटिवेट करें। अगला सवाल है कि मेरी बेटी ने कल बताया कि उसकी कोई सहेली नीट की तो कोई जी एडवांस की तैयारी कर रही है, अब उसे भी चिंता है कि बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे तो उसके बाद वो क्या करेगी। तो पीयर प्रेशर या टीचर्स के कहने पर कोई एग्जाम देने से बेहतर है कि बेटी को उसके इंटरेस्ट और पैशन समझने के लिए इंकरेज करें, ताकि बोर्ड एग्जाम के बाद आगे क्या करना है इसे लेकर उसे क्लैरिटी मिल सके। उसके साथ साथ अलग करियर ऑप्शन डिस्कस करें और समझाएं कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक नहीं कई रास्ते हैं। उसकी क्वालिटीज और टैलेंट समझने में आप उसकी मदद भी कर सकते हैं और फैसला लेने में भी उसे गाइड कर सकते हैं। साथ ही बेटी के साथ बैठकर रिसर्च करें कि उसके पसंद के करियर के लिए कहाँ पढ़ाई अच्छी होगी, कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह के कोर्सेज करने चाहिए और इसके लिए किस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बच्चों को समझाएं कि हर कोई बेस्ट कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। बच्चों के साथ बैठकर कॉलेज एडमिशन को लेकर उसकी परेशानियां डिस्कस करें। वो अगर परेशान है तो उसे कहें कि इस समय सभी स्टूडेंट्स ऐसा महसूस करते हैं। बच्चों को अपना बेस्ट करने के लिए मोटिवेट करें, साथ ही उसे बताएं कि सक्सेस पाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। उसे सिर्फ प्रेजेंट टाइम पर ही फोकस करने के लिए कहें। बच्चे को उसकी पसंद की एक्टिविटीज करने के लिए मोटिवेट करें। बच्चे को याद दिलाते रहें कि उसके हर कदम पर आप उसके साथ खड़े हैं। अगला सवाल है कि घर से मिलने वाले एग्जाम के प्रेशर को तो पेरेंट्स मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स और पीयर्स से मिलने वाले प्रेशर को कैसे हैंडल करें? तो टीचर के साथ इस बारे में खुलकर बात करें और उनसे कहें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर वो बच्चों को गाइड करें। बच्चों को समझाएं कि दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ एक बाउंड्री सेट करना जरूरी है, उनकी सभी बातें मानने की जरूरत नहीं है। बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताएं, साथ ही उन्हें समझाएं कि खुद के साथ हमेशा सच्चाई के साथ पेश आएं। उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए भी इंकरेज करें, इससे उसका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा और वो सिर्फ स्कूल या ट्यूशन के दोस्तों के साथ अफेक्ट नहीं होंगे। बच्चों को घर पर सपोर्टिव एनवायरनमेंट दें, उन्हें महसूस कराएं कि वो घर के जरूरी सदस्य हैं, जहां उनकी हर बात सुनी जाती है। दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर और इन सारी बातों को लेकर और इन सारी सवालों के जो जवाब थे उनको लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय या अपने सवाल छोड़ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।